गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द संस्कारम पब्लिक स्कूल। आज बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मैं ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। मीन्स सभी एक्सरसाइज से मिक्स कर कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट टू कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल 0। हमें ये इक्वेशन 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा आपका 2 कॉस पाई बाई 13, ये वैल्यू जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2 कॉस एंड दिस कॉस, यहाँ पर 2 कॉस एक्स और कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। 2 कॉस एक्स कॉस वाई होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, तो इक्वल कॉस पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 पाई बाई 13, माइनस करेंगे तो पाई माइनस कॉस माइनस 8 पाई बाई 13, बाकी एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। कॉस अब 10 पाई बाई 13 को लिखेंगे कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 13। कॉस माइनस माइनस कोई भी एंगल है तो पॉजिटिव होता है, कॉस 8 पाई बाई 13 इनको एज इट इज लिखेंगे, माइनस कॉस 3 पाई बाई 13। अब देखो कॉस पाई माइनस, तो कॉस 180 माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस कॉस ये एंगल कितना है? 3 पाई बाई 13। तो बेटा यहाँ पर कॉस, अब देखें 8 पाई बाई 13 को क्या लिखेंगे? पाई माइनस 5 पाई बाई 13, क्योंकि इतनी वैल्यू आप इतने वैल्यू के इक्वल लिख सकते हैं। इसमें भी वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 180 माइनस दिस टर्म, तो बेटा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो आएगा माइनस कॉस पाई बाई 3, ये एज इट इज़ रखेंगे। बाकी को जो है ना सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ऑटोमेटिक आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? 0। 0 राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी 3.3 से रिलेटेड है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल साइन 2x इंटू साइन 10x। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको कौन सा? साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ये टर्म देखकर आप इस टर्म से देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये इससे मैच करती है, तो ये वाले फॉर्मूला अप्लाई होंगे। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन एक्स हो गया आपका 6x और वाई किसके बिहेवियर करता है? 4x के, तो साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, दोनों को सम करेंगे तो 10x आया। साइन 10x इंटू 6x माइनस 4x साइन 2x, आंसर कितना आया? साइन 10x इंटू साइन 2x, ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल प्रूव करना है माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? सेपरेट एंगल का, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। ये आपको रिमेंबर करना है पॉइंट, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन आपको इसको पहले वाई को लिखना है, बाद में एक्स का टर्म लिखना है। साइन एक्स माइनस साइन वाई, पहले कॉस का टर्म आएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। बेटा इसमें दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 9x माइनस कॉस 5x, यह आएगा 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 9x अपॉन 2। 9x प्लस 5x 14, 14 बाय 2 करेंगे तो 7x आया। 5x माइनस 9x ये माइनस का आया, 4x माइनस 4x बाय 2 करोगे माइनस 2x आया। इन दोनों का सेम प्रोसीजर है, सॉल्व करेंगे
तो बेटा साइन सेवन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन माइनस में है तो माइनस साइन टू एक्स आया, और टू से टू कैंसिल हो गया, कॉस टेन एक्स आया। तो बेटा ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखो बेटा, फोर में क्या है, प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। इसमें खास कोई फॉर्मूला नया नहीं है, पहले जैसा जो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना वही अप्लाई करेंगे। ये बस ये देखना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये कॉस टू एक्स के इक्वल होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्डर का डिफरेंस है, कॉस स्क्वायर एक्स पहले होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस टू एक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। और सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा यहाँ पर, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टू कॉस एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू अपॉन में, इनके ऑर्डर को चेंज कर दो, माइनस कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस कॉस टू एक्स, और ये हो गया आपका फोर एक्स अपॉन टू टू एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स, ये हो गया साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस टू साइन एक्स होगा, ठीक है ये वैल्यू लेकर। अच्छा कॉस टू एक्स और कॉस टू एक्स कैंसिल हो गया, अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा तो आ गया आंसर टू साइन एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स इंटू कॉस कॉट एक्स, कॉस नहीं है कॉट एक्स इक्वल वन, ठीक है। अब इसे हमें प्रूफ करना है, हमें करना क्या है, फॉर्मूला एक अप्लाई करना है कॉट का, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट एक्स प्लस वाई होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन अपॉन में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, इन्हीं में अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, पहले हमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड टर्म में से कॉट थ्री एक्स को कॉमन ले लेना है, तो सेकेंड और थर्ड टर्म में से कॉमन लेंगे, कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो कॉट टू एक्स प्लस कॉट एक्स आए। अब ये कॉट टू एक्स प्लस कॉट एक्स के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बनता है, कॉट थ्री एक्स इक्वल कॉट टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस वन अपॉन में कॉट टू एक्स प्लस कॉट एक्स, इसके प्लेस पे रखूँगा मैं इसको यहाँ रख के कॉट टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस वन अपॉन में कॉट थ्री एक्स इसके प्लेस पे, तो ये यहाँ रखने पर कॉट थ्री एक्स और कॉट थ्री एक्स कैंसिल, आया यहाँ पर आंसर कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस इसके साथ प्लस हो गया और ये दोनों कैंसिल और ये वन आ गया, इस तरह राइट हैंड साइड वैल्यू आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन है देखना है आपको, प्रूव दैट कॉट फोर एक्स साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इक्वल कॉट एक्स साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, लेफ्ट साइड राइट साइड की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को साथ लेकर चलना है और देखना है वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। प्रूफ दैट लिखा गया तो वैल्यू इक्वल आनी है, लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे कॉट फोर एक्स साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, इन दोनों का जो फॉर्मूला रखेंगे, और कॉट का फॉर्मूला रखेंगे कॉस फोर एक्स अपॉन साइन फोर एक्स, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टू साइन फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू इंटू कॉस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू, दोनों को सम किया और हाफ किया तो आ गया टू कॉस टू साइन फोर एक्स, और ये आएगा आपका कॉस एक्स, साइन फोर एक्स साइन फोर एक्स से कट गया, आंसर आया टू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एक्स, इक्वेशन वन लेट कर लिया इसे। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे कॉट एक्स इंटू साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसमें साइन का जो है माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू इंटू कॉस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू इंटू साइन फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू, अच्छा फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स है सम किया हाफ करेंगे तो
तो ये आ गया 4x, 2 cos 4x। इनको माइनस करके हाफ करेंगे तो आंसर आया sin x, sin x कैंसिल। अब 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स आंसर आया। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इक्वल हो गए, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे।